पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमह छाड़ी दहू दिस धावे, खसमह छाड़ी छिमा होए रहिए, औ होए न छीन अक्षय पद लहिए। सदगुरु कबीर इसमें कहते हैं कि जो आदमी अपने जीवन में शांति चाहे, वे अपने मन इंद्रियों को अपने वश में कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि ये मन इंद्रियां अपने चेतन पति को छोड़ करके बाहर दसों दिशाओं में भटकती है। खसम ही छाड़ी, सदगुरु कहते हैं दोस्त तुम्हारे दुश्मन है, इसे छोड़ो। जीवन यात्रा में किसी ने अपशब्द कहा, किसी ने कटु व्यवहार कहा, उसको क्षमा करो, बदला लेने की भावना मत रखो, फिर कभी तुम दुखी नहीं होगे, किंतु अक्षय शांति को प्राप्त करोगे। तो सदगुरु कहते हैं कि जो आदमी अपने जीवन में खैर चाहे, शांति चाहे, मन की तृप्ति चाहे, वे अपने खोरी को मना ले। खोरी कहते हैं गली को, गली को मनाना है, गली को साफ सुथरा रखना है। लोग व्यवहार में देखा जाता है, लोग सुबह सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपना पेट साफ करते हैं, पेट साफ करने के बाद झाड़ू लेकर के अपनी अपनी गलियों को साफ करते हैं। साफ ही नहीं करते हैं, कचरा को उठा करके बाहर फेंकते हैं, पानी छिड़कते हैं, लिपाई भी करते हैं। क्यों करते हैं? गली में रहती है धूल, गली में रहते हैं कचरा, उसको नहीं साफ करेंगे तो खिड़की के माध्यम से कमरे में आएंगे और कमरे में रहने वाले आदमी को कष्ट होगा, असुविधा होगी। इसलिए लोग अपने घर को साफ सुथरा करके रखते हैं। तो कबीर साहब बाहर के उदाहरण दे करके आप हमको समझाते हैं, जैसे आप बाहर के घर को साफ करते हैं, इसी प्रकार जीवन में यदि आप शांति चाहते हैं, मन की तृप्ति चाहते हैं, तो आप अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखिए। ये कबीर साहब का आदेश है। गीता में भी कहा गया है, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां घोड़े हैं। यदि बुद्धि रूपी सारथी शराब पी लिया तो मन लगाम ढीला होगा, मन लगाम के ढीला होते ही इंद्री रूपी घोड़े मचलेंगे, फिर शरीर रूपी रथ खाई खंदक में जाएगा और आत्मा रूपी रथी को कष्ट होगा। ये गीता में भी कहा गया है। तो सदगुरु कहते हैं कि अपने मन इंद्रियों को अपने वश में रखो। कबीर साहब ने बीजक में और भी कहा है, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लाके, पांच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक सवाती, और कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। सदगुरु कहते हैं कि ऐ संतों, ए शरीर रूपी घर में बड़ा भारी झगड़ा मचा हुआ, और झगड़ा करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं है, पांच ढोटा एक नारी, पांच लड़के हैं। कौन? ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान जीभ और त्वचा, और एक मन है, और वासना रूपी नारी है, ये छयों मिल करके इस ढंग से झगड़ा मचाए हैं कि जीव इसी में परेशान है। परेशान है कि नहीं? आप हम जितने लोग बैठे, आप हम ही बिचारे,
आप हम बाहर के झगड़े से परेशान हैं कि अपने घर के झगड़े से परेशान हैं? अपने झगड़े से परेशान है ना। मान लो कोई महिला हो, भोजन का समय हो, भोजन का समय हो, एक उसके पांच बच्चे हो, एक लड़का कह रहा हो कि मम्मी आज मैं मालपुआ खाऊंगा, दूसरा कहता हो मम्मी आज मैं हलवा खाऊंगा, तीसरा कहता हो मम्मी आज मैं खीर खाऊंगा, चौथा कहता हो मम्मी आज मैं दही चिवड़ा खाऊंगा, और पांचवा कहता हो मम्मी आज मैं पूरी सब्जी खाऊंगा, तो उस महिला को परेशानी होगी कि नहीं व्यवस्था करने में? बस वही स्थिति इस शरीर में है। ये पांचों ज्ञान इंद्रिया रूपी लड़के पांचों विषयों की ओर इस ढंग से लालायित है कि जीव बिचारा उसी में परेशान है। देखिए बाहर में जो झगड़े होते हैं, जैसे पिता पुत्र में झगड़ा हुआ, सास बहू में झगड़ा हुआ, देरान जेठान में झगड़ा हुआ, कुछ समय में शांत हो जाता है। ना शांत हो रहा हो, गांव वाले आते हैं समझाते हैं, शांत हो जाता है। किंतु हमारे शरीर में जो झगड़ा मचा हुआ है, इसको कोई दूसरा शांत नहीं कर सकता है, शांत आप ही को करना है। क्यों? आप हम संसार के प्राणी और पदार्थों को सुख मान करके पकड़ा है, तो सुख मान करके पकड़ा है तो वही तो झगड़े का कारण है कि और कुछ है? तो इसलिए बाहर के झगड़े में अन्य लोग कारण हो सकते हैं, किंतु हमारे शरीर के अंदर जो झगड़ा मचा हुआ है उसमें बाहर दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल हम कारण है, हम, और हमें ही ठीक करना है, दूसरा कोई ठीक करने वाला नहीं है। यदि आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सुख मान करके जिन प्राणी पदार्थों को पकड़े हैं उसे आप छोड़ दीजिए, उनसे व्यवहार लीजिए जीवन निर्वाह के लिए, किंतु सुख मान करके उसका आप भोग मत कीजिए, यही बचने का रास्ता है। आप इतिहास उठा करके देखिए, राजा रावण को किसने दुख दिया था? क्या किसी दूसरे ने दुख दिया था? इन पुस्तकों में एक पुस्तक है रामायण रहस्य, उसमें सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने लिखा, जिक्र किया कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि रावण के रंग महल में जितनी रानियां थी सब रावण के बल और पौरुष को देख करके आई थी। उसमें एक सीता थी जिसको उन्होंने जबरदस्ती हरण करके लाया था। जब रावण को एक से एक सुंदरी स्त्रियों से संतोष नहीं मिला तो क्या सीता से उनको संतोष मिल जाता? और यही दुख ही, यही भूल ही आज रावण का नाम इतिहास के पन्नों में बदनाम हो गया है, बदनाम हो गया है। इसीलिए एक ने कहा है, लाखों फूल कम है गला को सजाने में, और एक भूल काफी है जीवन को रुलाने में। एक भूल काफी होती बंधु जीवन को रुलाने में। और हम देखें महारानी कैकेयी को किसने दुख दिया था? किसी ने दुख नहीं दिया था। पूरी अयोध्या चाहती है कि राम का राज तिलक हो, उसे समर्थन करना चाहिए ना। पहले वो समर्थन कर रही थी, किंतु मंथरा के बहकावे में आकर के राम को पराया समझ ली, और यही भूल, यही मतलब उनकी नासमझी उनके विपत्ति का कारण हुआ। और एक कैकेयी की दुर्बुद्धि पूरी अयोध्या में हाहाकार मचाया है। राम का वनवास हुआ, राम के वनवास होते ही राजा दशरथ जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प के मरती है, ऐसे राजा दशरथ तड़प, अयोध्या में हाहाकार मचा, तीनों रानियों को विधवा होना पड़ा, मिला क्या कुछ? का कोई दूसरे ने दुख दिया था? नहीं। आप और भी देख लीजिए रामायण के, जो बातें मैं कह रहा हूं मैं अपनी ओर से, रामायण रहस्य में लिखा हुआ है, आप देख।
राम और सीता इतने उदार, राज्य को ठोकर मार करके वन चले जाने वाले, स्वर्ण मृग प्रसंग में इस ढंग से आकर्षित हुए, इस ढंग से आकर्षित हुए। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीता की रक्षा करना, सीता का बहुत मन है इस मृग को जिंदा हो या मुर्दा लाना है। लक्ष्मण ने समझाया, भैया सोने का मृग नहीं होता है, छलावा है, कह करके राम नहीं माने। परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं, पूरा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। यही दुख उनके दुखों का कारण बना हुआ है। आप देख ले, रामायण में लिखा हुआ है, जैसे लक्ष्मण हटते हैं रावण आते हैं सीता को ले जाते हैं, सीता लंका में रोती है और राम बन बन रोते रहते हैं। रामायण में लिखा है, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रो रहे। आज एक साधारण आदमी बन के वृक्षों को नहीं पूछेगा, किंतु राम जैसे मर्यादित पुरुष पूछ रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी भूल है। तो भूल जीवन में आती है, बस हम देखें कि हमारे जीवन में इस ढंग से कुछ भूल ना होने पाए। आज आप देख लीजिए, कोई भी आदमी कोई भी गाड़ी चलाएगा, चाहे वो दो पहिए का हो या चार पहिए का, बिना ब्रेक का आदमी गाड़ी नहीं चलाना चाहता है। किंतु जीवन भी तो गाड़ी है। क्या आप हम जितने लोग बैठे हैं, क्या इस जीवन गाड़ी में कोई ब्रेक है, कोई संयम है, कोई लगाम है? कोई लगाम नहीं, हाँक दिए। जो पशु मांस खाते हैं मांस तक सीमित है, जिस दिन मांस नहीं मिलेगा भूखा रह जाएगा। किंतु ये मनुष्य ऐसा पशु है, दाल भात खा रहा है, बकरा मुर्गा भी साफ करता चला जा रहा है। अरे मांस जैसे चीज को तो खा रहा है, कोई बात नहीं, प्रोटीन क्या बहम है, खैनी, खैनी में कौन सा विटामिन है, कौन सा प्रोटीन भरा हुआ है, आदमी खा रहा है। क्यों? लगाम नहीं है, संयम नहीं है। तो जीवन में संयम की आवश्यकता है, बिना संयम के जीवन सुखद नहीं हो सकता है। राम और लक्ष्मण सीता तीनों वनवास काल में थे। वनवास काल के दौरान एक 14 वर्ष का वनवास था, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। बरसात का समय आया, घूमते घूमते एक जंगल में पहुंचे, वहां का दृश्य बड़ा अच्छा था, फल थे, नदी थी। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण इस जंगल का दृश्य बड़ा मनोरम है, इस वर्ष का चौमासा इसी जंगल में बिताना चाहिए। किंतु एक चीज है, किसी के राज्य में बसना हो तो बसने वाले को उस राज्य के राजा से अनुमति लेकर बसना चाहिए। जाओ इस जंगल के राजा को पूछ करके आओ। लक्ष्मण गए, जंगल सुनसान था, काफी घूमा, कोई मनुष्य उनको नहीं मिला। अंत में उदास होकर के लौटा तो एक वृक्ष पर एक बानर बैठा हुआ था। लक्ष्मण सोचा, यह मनुष्य रूप में तो कोई नहीं मिला, बानर है, इसी को ही मैं राजा समझ लूं। कह करके जहां जिस वृक्ष में बंदर बैठे थे उस नीचे खड़ा होकर बंदर की ओर देख करके कहने लगे, हे बानर राज, हम लोग इस जंगल में झोपड़ा बनाकर कुछ निवास करना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा? जैसे लक्ष्मण ने कहा, वैसे वह बानर एक हाथ में अपने जीभ को पकड़ा और एक हाथ में पेशाब इंद्री और दोनों को दिखाते हुए जिस डगाली में बैठा था मचल करके दूसरी डगाली में चला गया। जैसे वो दूसरी डगाली में मचल करके गया, लक्ष्मण क्रोधित हो गया, छत्री था, धनुष बाण उठा लिया। ये बदतमीज बंदर, मैं तो इनसे निवेदन कर रहा हूँ और ये मेरा अपमान कर रहा है। फिर उसके मन में हुआ, भैया ने आदेश लेने को कहा है, मारने को नहीं कहा है। धनुष बाण समेट करके लक्ष्मण राम के पास पहुंचा।
जैसे वो पहुंचा, पहुंचते ही झल्ला करके कहा, मनुष्य रूप में मुझे कोई नहीं मिला, एक बानर मिला, उनसे पूछा तो उन्होंने मेरा अपमान किया। राम ने कहा, क्या अपमान किया? लक्ष्मण हकीकत को बताया। जब लक्ष्मण ने हकीकत को बताया तो राम ने कहा, लक्ष्मण उस बानर ने तुम्हारा अपमान नहीं किया है, उस बानर ने तुम्हें सीख दी है कि जो आदमी इन दोनों को वश में कर ले, जीभ को वश में कर ले और पेशाब इंद्री को वश में कर ले, वो आदमी कहीं भी घूमे, कहीं झोपड़ा बनाए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और यही तो वश में नहीं है, इसी के लिए तो सारे उत्पात हो रहे हैं, इसी के लिए तो सारे कांड हो रहे हैं। महाभारत युद्ध क्यों हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। राम रावण का युद्ध क्यों हुआ, बस यही है। महाभारत युद्ध में द्रौपदी कारण था और राम रावण के युद्ध में सीता कारण था, यही तो सारे झगड़ा का कारण है। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते थे कि जर जोरू और जमीन और झगड़े के तीन, ये तीन ही झगड़े के कारण है, तीन ही अनर्थ के कारण है, इसी से सारे उत्पात हो रहे हैं, हो रहे हैं। आज देख लीजिए, अच्छे अच्छे कथावाचक, अच्छे अच्छे प्रवक्ता क्यों क्यों उस जगह गए हुए हैं जहां नहीं जाना चाहिए, क्यों? यही तो बस में नहीं है ना, उसी का तो परिणाम मिल रहा है, उसी के लिए तो आप हम दुख उठा रहे हैं। तो सद्गुरु कहते हैं, जीवन में यदि सुख चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो इनको वश में करो। क्यों? क्योंकि ये मनोवृत्ति बाहर भटक रही है। आज देख लीजिए, सबकी पूजा हो रही है, पानी की पूजा, पत्थर की पूजा, मिट्टी की पूजा, यहाँ तक पशु की टट्टी गोबर की भी पूजा हो रही है, किंतु मनुष्य का तिरस्कार हो रहा है कि नहीं? उसकी पूजा नहीं हो रही है, उसको सत्कार नहीं मिल रहा है। क्यों? हमारी वृत्ति बाहर भटक रही है। एक घटना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार मैं कुंभ के दौरान एक क्षेत्र में भक्तों को कुंभ का निमंत्रण देने गया था। बरसात का समय था, ये करीब 97 की। एक क्षेत्र में गया था, बरसात का समय था, तो एक गांव में एक मास्टर के यहाँ मुझे रात में रुकना पड़ा। तो फिर रात में सत्संग हुआ, खाए पिए, आराम किए, सो गए, सुबह उठे, पति पत्नी थे, एक बच्चा था और पिता था, पिता को लकवा हो गया था, और उस मास्टर के उम्र रही होगी 40-42 के। जैसे सुबह उठा उनका लड़का 5 बजे, वैसे पिता ने कहा, बेटा एक गिलास पानी, सुना तो नहीं दिया। अंत में वो पानी लेकर के बाहर गया, जंगल मैदान निपटने के लिए गया, जाने लगा, फिर मांगा, एक गिलास पानी नहीं दिया। अंत में वो आदमी बाहर से निपट करके आया, बाहर नहाने का साधन था, नहा धो करके आया, और घर के सामने ही शिव जी की मूर्ति थी, मंदिर था, तो वहां उन्होंने एक लोटा जल चढ़ाया और जल चढ़ा करके लोटा घर में आया। जैसे वो उनको अपने लड़के को वो वृद्ध ने देखा, पुनः कहा, बेटा एक गिलास पानी, 3 बार पुकारा। मैं उठ गया था, बैठा हुआ था। अंत में जाने का समय हुआ तो उन्होंने कहा, मेरे पास आया, कहा, गुरुजी मैं जा रहा हूँ, स्कूल है, 7 बजे स्कूल लगता है, 6 बजे तैयार होकर के निकलने लगा, मेरे पैर को छुआ। मैंने कहा, मेरे पैर मत छुइए, मुझसे आशीर्वाद मत मांगिए, जिस पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, छोटे से बड़ा किया, आपको इस लायक बनाया, वो पिता 1 घंटा से रट रहा है, बेटा एक गिलास पानी, उसको एक गिलास पानी नहीं मिला। और जिस भगवान को पानी की आवश्यकता नहीं है, उसको आपने एक लोटा जल पिलाया, जाइए उसको पानी दीजिए, उसके पैर छुइए, वो आशीर्वाद देंगे तो सफल होगा।
क्यों क्यों आदमी ऐसा कर रहा, मनोवृत्ति बिगड़ी हुई भटकी हुई। और जब तक हमारी वृत्ति भटकती रहेगी कभी हम सुखी नहीं हो सकते हैं, कभी हमको शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो तो अपने मन इंद्रियों को अपने वश में रखो, यही शांति का रास्ता है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं इसी रास्ते से चल करके मस्तक झुका करके शांति प्राप्त किए हैं। आप हमको भी उसी रास्ते से चल करके शांति मिलनी है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।